जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम रितु योर साइंस टीचर फ्रॉम एमबीएम पब्लिक स्कूल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड द टॉपिक लीफ एंड टुडेज वीडियो आई विल स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ लीफ। ओके, ए लीफ हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। पत्तियों के कई भाग होते हैं। आइए आज हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लीफ बेस मीन्स पत्ती का आधार। इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ लीफ। यह पत्ती का, ठीक है, लीफ का सबसे निचला भाग होता है। इट इज़ द पार्ट बाय विच लीफ इज अटैच टू द स्टेम नोड मीन्स यह ऐसा भाग है जिसके द्वारा पत्तियां स्टेम नोड से जुड़ी रहती हैं। इट मे बी एक्सपेंडेड, यह विस्तारित रूप में भी होता है, हो सकता है जैसे कि खोल, ओके, और बियर लैटरल आउटग्रोथ्स, या फिर क्या लैटरल मीन्स पास, मतलब जो हमारे जो इसकी पास होती है वहाँ पे उसकी वृद्धि भी हो सकती है, वृद्धि को धारण किए रहता है। मीन्स जो हमारा लीफ बेस है वह क्या विस्तारित फॉर्म में, मतलब बड़ा रूप में भी हो सकता है, या फिर इसके जो पार्श्व वृद्धियाँ होती हैं उसको ये धारण किए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेटियोल मीन्स डंठल। इट इज़ अ नैरो स्टॉक ऑफ लीफ। यह क्या होता है, एक बहुत ही संकीर्ण डंठल, पत्ती जो है ये पत्तियों का एक बहुत संकीर्ण भाग होता है। ठीक है, संकीर्ण डंठल टाइप डंठल होती है। पेटियोल कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम, और जो ये पेटियोल है, ये डंठल है, यही क्या करता है, तने से पत्ती को जोड़े रखता है। इट मे गेट मोडिफाइड, और यह परिवर्तित यानी कि संशोधित किया जा सकता है इसको। एंड स्वेल्स एज सीन इन वाटर। सॉरी स्टूडेंट्स, इट मे गेट मोडिफाइड एंड स्वेल्स एज सीन इन वाटर हाइसिंथ, और बिकम्स फ्लैट लाइक अ लीफ इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। मीन्स यह क्या होता है, इसे संशोधित किया जा सकता है, और यह क्या होता है, स्वेल्स एज सीन इन वाटर हाइसिंथ, मतलब हम लोग जो जलकुंभी देखते हैं, जलकुंभी आपने सभी ने देखा होगा, उसी की तरह ये क्या होता है, फूला हुआ रहता है, या और बिकम्स फ्लैट लाइक अ लीफ इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या बोल रहा है, ये जो ऑस्ट्रेलियन मतलब अकेशिया मीन्स जो ऑस्ट्रेलियन बबूल की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं की जैसे ये चपटी हुई बन जाती हैं, फैली हुई हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेमिना और लीफ ब्लेड मीन्स पत्रदल, या फिर जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उस पर जो धारी होती है उसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड। इट इज़ अ ग्रीन थीन फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। यह पत्तियों का विस्तारित भाग होता है जो कि हरा, पतला और चपटा रहता है। नेक्स्ट है विंस मीन्स नसें कह सकते हैं, या फिर सिरा। द थिन लाइन्स फाउंड ऑन द लीफ ब्लेड आर नोन एज विंस। ठीक है, जो पत्तियों की जो धारियां होती हैं उस पर जो पतली पतली लाइनें होती हैं उन्हीं को हम विंस कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट विन दैट रन्स फ्रॉम बेस टू द एपेक्स एंड प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड मिड रिब मीन्स जो इसका जो सबसे प्रमुख जो इसकी विन होती है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विन होती है वो क्या करती है, आधार से इसके शीर्ष बिंदु तक, ठीक है ना, इसको क्या करती है, आधार से शीर्ष बिंदु तक इसको पहुंचाती है, यानी कि वहाँ तक ये जाती है। एंड प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड, और जो पत्ती की धार होती है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, इस कॉल्ड मिड रिब जिसे मध्य सिरा बोलते हैं। विंस प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट्स वाटर मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो विंस होता है, जो सिरा होता है हमारा, वो पौधे क्या करता है, इसको जो पत्तियां होती हैं इनको सपोर्ट प्रदान करता है, और वाटर मिनरल्स ये इसको इसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसका स्थानांतरित करता है। एंड प्रिपेयर्ड फूड, और भोजन बनाता है पौधों के विभिन्न पार्ट्स तक के लिए, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ विंस इन द लेमिना ऑफ लीफ इज नोन एज वेनेशन। जो विंस होते हैं, ठीक है ना, जो सिरा होती हैं, इनका जो व्यवस्था होता है लेमिना में, यानी कि पत्तियों पे, पत्रदल पे, उसे ही क्या कहा जाता है, वेनेशन कहा जाता है, यानी कि सिरा का, जो सिराओं का रचना होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यह दो प्रकार की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इन रेटिकुलेट वेनेशन, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें जो, मतलब इसका रेटिकुलेट मीन्स होता है जाल से ढकना, मतलब जाल का कुछ बना हुआ। इसमें क्या होता है, विंस फॉर्म अ नेटवर्क विच इज़ फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीफ। यह जो विंस होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वह एक नेटवर्क यानी कि जाल बनाई रहती हैं जो पाया जाता है पत्तियों के दोनों तरफ, ठीक है ना। इन पैरेलल वेनेशन विंस आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज,
ठीक है, जो पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल मीन्स समांतर, तो इसमें जो वेंस, जो सिराएं होती हैं, ठीक है, वो जो नसें होती हैं, यानी कि कह सकते हैं पत्तियों की, वह पैरेलल रोज में, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में या अरेंज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस टू द टिप ऑफ लीफ। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये जो पत्तियों का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी बिंदु होता है, उसी के आधार से ये शुरू होती हैं। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द लीफ, पत्तियों के कार्य। लीव्स परफॉर्म मेनी फंक्शन फॉर द प्लांट, जो पत्तियाँ होती हैं पौधों के लिए बहुत सारे वर्क करती हैं, बहुत सारा कार्य करती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीव इज़ टू प्रिपेयर फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो सबसे प्राथमिक कार्य होता है, सबसे प्रमुख कार्य होता है पत्तियों का, वो क्या होता है, खाना बनाना, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। द टिनी स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं कहाँ पर, पत्तियों के निचले सतह पे, वो क्या हेल्प करता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन या और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो गैसीय विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसमें ये सहायक होता है। इवापोरेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लिप्स। जो एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि जो पानी की जो अधिकता होती है, वो इवापोरेट यानी कि उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है, किसके रूप में, भाप के रूप में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा, अकर्स थ्रू स्टोमेटा, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसी के द्वारा, उसी में, उसी के द्वारा क्या होता है, जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये घटित होती है। इन द सर्टेन प्लांट्स, कुछ निश्चित पौधों में लीव्स आर मोडिफाइड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं वह परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, पौधे को अत्यधिक समर्थन देने के लिए, एंड स्टोर फूड, और भोजन के भंडारण के लिए, भोजन के स्टोरेज के लिए, एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और कुछ में क्या होता है, वानस्पतिक प्रसार के लिए यह सहायक होती है, यानी कि पत्तियों के सहायता से हम एक नया पौधा उगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लावर, फूल, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है हमारे पौधे का। फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल बाय देयर वाइब्रेंट कलर्स। जो फूल होते हैं वह हमारे सराउंडिंग यानी कि हमारे के चारों तरफ का जो वातावरण होता है, ठीक है, परिवेश होता है, उसको बहुत ही सुंदर बनाता है, बाय दियर वाइब्रेंट कलर्स, इसके जो आकर्षक रंग होते हैं उन्हीं के कारण। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यह पौधे का सबसे मुख्य भाग होता है। दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यह पौधे का प्रजनन अंग होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से इसी में होता है आपका। दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, यह फल और बीज क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेट अस स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, आइए अब हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके,